मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ हनोई में। तो आज आपको दिखाता हूँ कि वियतनाम में जो सुपरमार्केट्स होते हैं वो कैसे होते हैं और प्राइजेस जो है यहाँ पे वो कैसे डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो चलते हैं एक सुपरमार्केट में। मैंने लोकेशन ले लिया है और मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ के एक सुपरमार्केट में। जस्ट 5 मिनट वॉक करने के, 5 मिनट भी लगा यार, और आ गया हूँ मैं सुपर मार्केट में। और चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या प्राइसेस हैं। तो भाई जैसा दिखता है कुछ यहाँ का मार्ट या सुपर मार्केट जो बोल सकते हो। मैंने परमिशन ले ली है वीडियो बनाने की। कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सब्जियाँ आपको ऑब्वियसली मिलेंगी, फ्रूट्स यू कैन गेट, ड्रैगन फ्रूट है। फ्रूट का बहुत बड़ा सेक्शन है यहाँ पे, लोग जो है फ्रूट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जो मीट है उसका अलग सेक्शन बनाया हुआ है, ड्रिंक्स के लिए अलग सेक्शन है, और अल्कोहल के लिए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। इधर आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हो। अगर बात करें कुछ प्राइसेस की, तो फॉर एग्जांपल अगर एक फैंटा जो कि 600 ml की जो बॉटल है उसका प्राइस है 9,400 dongs। अगर कन्वर्ट करूँ मैं इंडियन में कुछ पड़ेगा 31 rupees, तो ठीक ठाक है। और अगर ये पर्पल जो फैंटा है इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 8,900 dong, यानी कि वही 25 से 30 रुपए के बीच में कुछ होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और तरीके के ड्रिंक्स हैं। कॉफ़ी यहाँ बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है, तो कॉफ़ी यहाँ पे मिल जाएगा। और मैगी के भी प्रोडक्ट्स हैं भाई। और यहाँ पे ऑयल्स आपको अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। पता नहीं यार यहाँ का जो लैंग्वेज है वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं ले रहा हूँ एक दर्जन केले जिसका प्राइस कुछ 27,000 dong। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं भाई यहाँ पे, चॉइस बहुत सारी हैं। और इधर आपको मिल्क से रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ कुछ सेब हैं तो मैं सेब भी कोशिश करता हूँ, सेब भी ले लेता हूँ। एक कोक लाइट लेते हैं और भाई एक ये वाला लेता हूँ, ये वाला अपने इंडिया में नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ देखते हैं क्या है, ये पूरा कॉफ़ी का सेक्शन है यहाँ पे, और टी और कॉफ़ी जो आपको अगर चाहिए हो तो आप ले सकते हो। मैंने डिसाइड किया है कि ऑन द लास्ट डे मैं यहाँ से कुछ पैकेट्स लेके जाऊँगा, 1-2 पैकेट। प्राइसेस की अगर बात करें तो जो हाईलैंड कॉफ़ी जो यहाँ की कॉफ़ी है वो 87,000 dong से शुरू होती है। प्राइस कन्वर्शंस मैं आपको नीचे देता रहूँगा। और जो नेस्कैफे हम यूज़ करते हैं अपने यहाँ, वो कहाँ गया, इन दिस वन 31,000 dong से शुरू हो रहा है। ऐसा कुछ है यहाँ का कॉफ़ी का सेक्शन, यहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही फेमस है तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। वाइट ब्रेड जो है इसकी कॉस्ट है 50,900 dong, तो ये वाला ले लेता हूँ यार, ठीक है एक आदमी के लिए। और अब तलाश करते हैं जैम किधर मिलेगा। तो मैं एक तरीका बताता हूँ यहाँ पे आसानी से शॉपिंग करने का, तो आपको जो सामान चाहिए वो लिखो, उसको जो ट्रांसलेशन आएगा आप उस सेक्शन में आके वो चीज़ खोजने लग जाओ। जैसे बटर जो है इसको बो बोलते हैं, तो मैं इस वाले बटर और चीज़ वाले जो सेक्शन है इसमें आ गया था, और बो करके 4 आइटम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे शॉपिंग करना सीखा है। आप भी इस तरीके को ट्राई कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए वो सेक्शन कहाँ पे है, बस इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी फूड, उस साइड एक डेडिकेटेड सेक्शन है मीट्स के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं ना खाते हैं और ना खा सकते हैं, इधर है मछलियाँ, इधर है कुछ कीड़े मकोड़े यार। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये है मीट का सेक्शन पूरा, ये कुछ फ्रोजन आइटम्स फ्राइम टाइप के फ्राई करके खाने के लिए जो मकेल टाइप का होता है हमारे यहाँ। और यहाँ पे फिर से कुछ है मीट। बात करें अगर बियर्स की तो यहाँ काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। ये वियतनाम का अपना साइगॉन स्पेशल हाइनेकन है, और हनोई का भी है कुछ। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 330 ml का ये वाला जो बॉटल है ये कॉस्ट कर रहा है 19,200 dong, जो कि है केवल 65 रुपये भाई। टाइगर के बारे में अगर बात करें तो इसकी प्राइस है 17,000, और मैं ये कन्वर्ट कर रहा हूँ 17,258 rupees का है। रेड लेबल की तो 4,30,000 का एक 75 cl, पता नहीं क्या होता है वो, ये बॉटल जो है ये है तो 1462 रुपये की बॉटल है। ऐसे ही कुछ प्राइसेस हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको बियर्स और वाइन विस्की वगैरह में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ये अल्कोहलिक चीज़ें उतनी महंगी नहीं है। यहाँ पे है कुछ कॉफ़ी वगैरह, ये लोग यूज़ करते हैं टोन, ना कि बहुत सारे वर्ड्स।
और एक टोन के कई मतलब हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ एक टोन के कितने मतलब हो रहे हैं इस समय। अगर आप कोई एक दो वर्ड्स को अगर आप उठा लीजिए और उस पर अलग अलग टोन्स लगा दीजिए तो कैसे चीज़ों के मतलब जो हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ कुछ यूनिक ड्रिंक्स देखने को मिल रहे हैं, स्पार्कलिंग वाटर, क्यूकम्बर है, ग्रेप है, ये भाई नए तरीके का कोका कोला बोतल पहली बार देखा भाई इस तरीके का। इससे पहले कुछ 46,800 डोंग 300 ml की जो बॉटल है उसका कुछ 140 rupees के आसपास का है ये बॉटल। पेप्सी यहाँ पे जीरो कैलोरी वाली मेरे को लगता है यहाँ लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो ज़ीरो कैलोरी वाले जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब चलते बिल कराते हैं और निकलते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा यहाँ का कंटेंट, लोगों को नहीं शूट करूँगा यहाँ पर बिल्कुल भी। और अब चलते हैं बिलिंग कराते हैं, देखते कितना बिल हुआ इतने सामान का। तो ये था यहाँ के सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस। और अब चलते हैं हॉस्टल। यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि अगर नहीं समझ में आ पा रहा है आपको कितना पैसा इनको निकाल के देना है तो आप बस इनके सामने पैसा रखो, ये अपने हिसाब से ले लेंगे, बाकी जो बचा वो आप अपना रख लो वापस। तो ये था यहाँ का कुछ सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस और आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ प्राइसेस भी मैंने बता दिए और आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वियतनाम में जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस किस तरीके से डिफरेंट है इंडिया के कंपैरिजन में। जो मैंने सामान लिया है वो पड़ा है मेरे को 384 का, जिसमें एक दर्जन केला है, ब्रेड है, बटर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे आपको इस तरीके से स्कूटर रेंटल्स भी देखने को मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई को। और ऐसा दिखता है कुछ मेरा हॉस्टल बाहर से।